नमस्कार दोस्तों, संविधान दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी जो है शुभकामनाएं। भारतीय संविधान दिवस और संविधान की कुछ विशिष्ट बातों को आपके साथ साझा करने के पूर्व हम संविधान के प्रस्तावना का वाचन करना औचित्यपूर्ण और आज के संविधान दिवस पर प्रासंगिक समझते हैं। तो आइए हम लोग संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 कोष्ठक में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को एतत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान की प्रस्तावना से एक बात तो ये तय हो जाती है कि संविधान निर्माताओं ने इनमें महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित किया और इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहा कि हम संविधान के माध्यम से किन मूलभूत बातों को, किन मूल्यों को, किन मान्यताओं को और किन व्यवस्थाओं को संविधान के नागरिकों के लिए जो है बना रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझना है कि संविधान वास्तव में दो शब्दों से सम और विधान, चूंकि बहुत बेसिक चीज इसमें बता रहे हैं हम, कि पूर्व में प्राचीन काल और मध्य काल में अगर देखा जाए तो भारत या भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कई ऐसे जो है व्यवस्थाएं विद्यमान थी, कई ऐसे मान्यताएं प्रचलन में थी जो कि मानवीय गरिमा और मूल्यों के अनुरूप नहीं थी। चाहे वो स्कूलों में जाने का विषय हो, किताबों के पढ़ने का विषय हो, सार्वजनिक स्थलों पर बैठने का विषय हो, महिलाओं को वोट देने का विषय हो, महिलाओं के बारे में व्यक्ति की सोच का विषय हो, इन सभी जो है विषयों में कहीं ना कहीं मानवीय पक्ष का अभाव था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कमी थी। तो इन सब कुरीतियों को, आडंबर को, परंपराओं को जो कि मानवीय मूल्य और गरिमा के अनुरूप नहीं थी, उसे समाप्त करने के लिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद संविधान सभा के माध्यम से देश के नागरिकों के कल्याण के लिए और देश के हित के लिए कानून बनाने हेतु तथा शासन और सरकार के सभी अंगों यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करने हेतु संविधान की व्यवस्था लागू की गई, जिसके माध्यम से समान रूप से बनाए गए जो है विधान को सभी नागरिकों पर लागू किया जाना संभव हो सके। तो ये रही जो है संविधान की बातें। संविधान में कितना समय लगा, क्या हुआ, ये सारी चीजें तो पूर्व के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा पहली बार जो है वो 26 नवंबर 2015 में लिया गया। भारत सरकार के द्वारा पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब इसके बाद हम एक और चीज बताना चाहेंगे। जैसे एक स्टूडेंट ने यह सवाल पूछा था कि संविधान की प्रस्तावना सभी को याद होना ही आवश्यक है, क्योंकि साक्षात्कार में भी एक बार इस सवाल भी पूछा गया था कि किसी स्टूडेंट ने बताया कि उसकी रुचि जो है संविधान राज व्यवस्था में है, तो उससे संविधान की प्रस्तावना को भी पूछ लिया गया। तो यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि यदि आपकी रुचि संविधान राज व्यवस्था में है और साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें निहित जो शब्द हैं उनके अर्थ से आपका परिचय होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो उसके शब्द के अर्थ को भी पूछा जा सकता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक सामान्य प्रतियोगी के लिए, एक सामान्य जो है नागरिक के लिए कोई इतने अनिवार्य नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना याद ही होना चाहिए, परंतु आपको इसके भाव को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट में ये चीज कहा गया है कि हम संविधान को अंगीकृत, अंगीकार करना, अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है, क्योंकि इसी से सभी लोगों को शक्तियां प्राप्त होती हैं, अधिकार प्राप्त जो है होते हैं। तो कम से कम याद करना अलग विषय है, परंतु इसमें विश्वास करना और इनकी बातों को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संविधान दिवस
मनाने की जहां तक बात है, आपको इस दिशा में केवल ध्यान ही आकृष्ट करना नहीं है, बल्कि आपको इसके प्रति इस रूप में सम्मान व्यक्त करना है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यदि आप स्वयं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, मेहनत और ईमानदारी से आप काम करते हैं, तो निश्चित आप समझिए कि आपका इस तरीके से किया गया जो प्रयास ही संविधान निर्माताओं के प्रति और उन तमाम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और एक लंबा संघर्ष और एक लंबे अध्ययन विभिन्न समितियों के कार्य उपरांत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो भारत के संविधान को बना करके तैयार किया गया, उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग को लागू भी किया गया, किंतु संविधान को पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू इसलिए किया गया क्योंकि पूर्व में रावी नदी के तट पर यह निर्णय किया गया कि अब स्वाधीनता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो इस कारण से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुए और लागू किए गए कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रावधान के बाद जो संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी जो है शुभकामनाएं और इस बात के लिए बधाई कि आप एक ऐसा संकल्प लें जिससे स्वयं आप अपने व्यक्तित्व के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कुछ कार्य कर सकते हैं।